सोयाबीन की सब्जी अपन बिल्कुल नए अंदाज में बनाएंगे जो सबको भाने वाली है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। चोखी कुकिंग में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन सोयाबीन की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाएंगे, क्योंकि सोयाबीन की सब्जी हर कोई पसंद नहीं करता है खाना, तो अपन बिल्कुल नई ट्रिक से बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये मैंने एक कटोरी सोयाबीन ली है, अब अपन इनको एक बड़े कटोरे में ट्रांसफ़र कर देंगे और गरम पानी ऐड कर देंगे। गरम पानी से ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी और जल्दी भी सॉफ्ट हो जाएंगी। हल्का सा नमक ऐड करके मिक्स कर देंगे। अब अपन थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ, अदरक के टुकड़े, दो हरी मिर्च लेंगे। इधर सोयाबीन भी अपनी सॉफ्ट हो चुकी है, तो अपन निचोड़ निचोड़ के एक कटोरे में डाल देंगे। अब अपन एक कटोरी में 2 चम्मच बेसन, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करके अपन मिक्स कर देंगे। अब अपन इसको सोयाबीन में ऐड कर देंगे और 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और अच्छे से ऐसे मिक्स कर देंगे। आप चाहो तो चम्मच से भी मिक्स कर सकते हो, पर मैं हाथों से ऐसे मसल मसल के अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, तो मैंने मिक्स कर लिया है। अब अपन एक कढ़ाई में 3-4 चम्मच ऑयल गरम करेंगे। अब अपन ये सोयाबीन इसमें ऐड कर देंगे और फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चम्मच से चलाते हुए। तो ये आप देख सकते हो हल्की सी रोस्ट हो गई है, सोयाबीन अपनी हल्की सी कुक हो गई है। अपन चम्मच से ऐसे पलट पलट करते रहेंगे और पका लेंगे। लगभग 3-4 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम रखना है। तो सोयाबीन अपनी रोस्ट हो चुकी है, कितनी खिली खिली सी है ये आप देख सकते हो। अब अपन थोड़ा सा ऑयल और गरम करेंगे और कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। मसाले चटकने के बाद में अपन 2 मीडियम कटे हुए प्याज, जिनको मैंने बारीक बारीक चॉप लिया है, वो ऐड कर देंगे और मिक्स कर देंगे। अब अपन इसको फ्राई कर लेते हैं, पका लेते हैं। हल्का सुनहरा सा कलर आएगा जब तक। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और मिक्स करके पका लेंगे। तो प्याज अपनी पक चुकी हैं। अब अपन मसाला रेडी करते हैं। धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरे का पाउडर अच्छे कलर के लिए, कश्मीरी लाल मिर्च, अमचूर पाउडर ऐड करके मिक्स कर देंगे और ग्रेवी में ऐड कर देंगे। तो मैं ग्रेवी में ऐड कर देती हूँ और अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अपन 1 मिनट के लिए पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। अब अपन 3 टमाटर की प्योरी ऐड करेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए अपन पका लेंगे लगातार चम्मच से चलाते हुए। तो लगभग 2 मिनट हो चुके हैं, ग्रेवी अपनी ऑयल छोड़ने लग गई है, रेडी है। अब अपन इसमें जो सोयाबीन कुक किए थे वो ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, जिससे कि मसाले की कोटिंग अच्छे से आ जाए। लगातार चम्मच से चलाते रहेंगे। अब अपन पानी ऐड करेंगे 3 से 4 कप और अच्छे से मिक्स करके चला देंगे चम्मच से। और अपन 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मीडियम फ्लेम रखना है और लगातार चम्मच से ऐसे चलाते रहना है। अब अपन अच्छे फ्लेवर के लिए कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे और 1 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। लगातार चम्मच से चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, सब्जी अपनी बन कर के रेडी है। हरा धनिया ऐड कर देंगे और मिक्स कर देंगे। ये आप देख सकते हो कितना अच्छा सा कलर आया है और कितनी अच्छी सी खुशबू आ रही है। कितनी परफेक्ट सब्जी अपनी बन कर के रेडी हो गई है। न तो ज़्यादा गाढ़ी है और न ज़्यादा लिक्विड है,
बहुत ही परफेक्ट सब्जी अपनी बनकर के रेडी है। आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय करिएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने इस तरीके से सोयाबीन की सब्जी बनाई तो बच्चे बड़े सब मांग मांग कर खाएंगे। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, तो फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।